मुझे याद है ओवैसी जी इत्यादि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही हमला कर रहे थे कि आई वॉन्ट माई मस्जिद, इसको भी हिंदू मुस्लिम के एंगल से जोड़ रहे थे। कहीं ना कहीं यह स्पष्ट होता है कि हर विषय में हिंदू मुसलमान करना, ट्रिपल तलाक में, ट्रिपल तलाक में जो देश की हाईएस्ट कोर्ट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह गैर संवैधानिक है और इसमें आप कानून बनाइए, उस विषय पे भी जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे थे, वी कंडेम दिस अटेम्प्ट ऑफ द अपोजिशन पार्टी टू मिसलीड द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड टू बाइफर्केट दिस कंट्री इन द नेम ऑफ हिंदू एंड मुसलमान। बंधुगण, स्टूडेंट्स के कंधे पर बंदूक रख के जिस प्रकार से उन्हें मोहरा बनाया जा रहा है और अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को दरकिनार करते हुए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने की साजिश कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, वो हम कल से दिल्ली की सड़कों पर देख रहे हैं, आज लखनऊ में भी हमने देखा, कुछ दूसरी जगहों पर भी हमने देखा है। ये स्टूडेंट्स पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, दे नो दैट एज फार एज सीएबी इज कंसर्न, जहां तक सीएबी और उसके पश्चात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विषय है, इस एक्ट में किसी भी हिंदुस्तान नागरिक का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या किसी भी जाति, किसी भी जनजाति, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसका कोई अधिकार का हनन नहीं होता है, उसके किसी राइट या प्रिविलेज को यह सरकार नहीं छीनती है। ये सारे स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं, इतना तो वो समझते हैं, मगर इन स्टूडेंट को भड़का कौन रहा है, इन स्टूडेंट को एक राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कौन करना चाहता है? स्वाभाविक है, वी ऑल नो द आंसर, देर आर पॉलिटिशियंस इन दिस कंट्री, देर आर पॉलिटिकल पार्टीज इन दिस कंट्री हु आर ट्राइंग टू इंस्टिकेट द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री फॉर देर ओन पेटी पॉलिटिकल बेनिफिट्स। बंधुगण, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आप याद करिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। जब इस प्रकार के बगावती तेवर हमने कुछ वर्षों पहले जेएनयू में सुने थे, तो जेएनयू में स्वयं राहुल गांधी गए थे इस प्रकार के बगावती स्लोगनियरिंग का सपोर्ट करने के लिए, खुद राहुल गांधी गए थे, करात साहब गए थे जहां तक मुझे याद आ रहा है, सीताराम येचुरी गए थे, ये डी राजा गए थे, ये सारे लोग वहां मौजूद थे। जिन लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ये सारे लोग उस समय जेएनयू में भी मौजूद थे, और आज उसी प्रकार से भारत के स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं भारत में नफरत फैलाने का काम पुनः ये पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। एक और सवाल हम पूछना चाहते हैं, शनिवार को, सैटरडे को राहुल गांधी जी ने रैली किया था, लोग कह रहे हैं वो फिर से लॉन्च होना चाहते हैं, वो कोई रीलॉन्चिंग रैली थी उनकी, ऐसा क्यों है कि शनिवार को राहुल गांधी पुनः लॉन्च होने की कोशिश करते हैं, उनको लॉन्च करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है, और रविवार से ही देश में आर्जनी लॉन्च हो जाता है, रविवार से ही देश में नफरत शुरू हो जाती है? नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, देर इज अ, दिस वुड बी टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस, यू कैन सी अ कंसर्टेड एफर्ट बाय द कांग्रेस पार्टी एज टू हाउ दे आर कॉन्स्पायरिंग फॉर देयर पेटी पॉलिटिकल बेनिफिट्स। वी हैड राहुल गांधी ऑन सैटरडे instigating people in the Ramlila Maidan that Mr. Modi's government is trying to differentiate between the Hindus and the Muslims. And then from Sunday, we see the kind of scenes that, in fact, no one would like to see on the streets of any civilized nation. This is all the conspiracy of Congress and certain other opposition parties. Bandhugan, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, परहेज भी नहीं है, ये सच्चाई है कि आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में है, जिन्होंने सीएबी के खिलाफ एक मोर्चा खोला हुआ है बिना किसी तथ्य के, वो लोग अपने अपने जिन्ना को उन्होंने छोड़ दिया है, सब डिविजिव फोर्सेस को, दे हैव अनलीस्ड देयर डिविजिव फोर्सेस, ओवैसी इज एक्टिंग एज ए न्यू जिन्ना, न्यू जिन्ना ऑफ दिस कंट्री, हर विषय पर हिंदू मुसलमान करके देश को बांटना है। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे अमानतुल्ला, जो ये आम आदमी पार्टी के वो कॉम्पिटिशन में है कि ओवैसी अगर हिंदुस्तान का जिन्ना होगा तो मैं दिल्ली का जिन्ना बनूंगा, मैं आम आदमी पार्टी का जिन्ना बनूंगा, किस प्रकार से ही हैज अ हिस्ट्री अटैच टू व्हाट ही हैज बीन डूइंग, अमानतुल्ला द एमएलए ऑफ दिल्ली। ममता बनर्जी तो उन्होंने कहा है मैं तो किसी को हायर नहीं करूंगी, मैं स्वयं ही तोड़फोड़ कर दूंगी, सभी जाति धर्म के नाम पर मैं स्वयं बंगाल को बांट दूंगी। मुझे तो समझ में नहीं आता है, ममता बनर्जी, आप याद करिए चंद दिनों पहले उनका एक वक्तव्य था कि जो बंगाल में रहेगा उसको बंगाली ही कहना पड़ेगा, यहां हिंदी चौलबे ना,
आपको याद होगा, आज उन्होंने पूरी भाषण हिंदी में क्यों दिया, कलकत्ता में खड़े होकर आज पूरा भाषण उन्होंने हिंदी में क्यों दिया, इसके पीछे क्या है, क्या कारण है? चंद दिनों पहले वो कह रही थी कि मैं किसी को हिंदी बोलने नहीं दूंगी और जो बंगाल में रहेगा वो केवल बंगाली बोलेगा। आज हिंदी में देकर पूरे देश में एक उन्माद की स्थिति को स्थापित करने की जो कोशिश कर रही हैं ममता जी, आखिर क्यों कर रही हैं? आई टेल यू द रीजन। दीज ऑल ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जो तुष्टिकरण की राजनीति में बिलीव करते हैं, जो कम्युनल पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, दे हैव ओपन द पैंडोराज बॉक्स ऑफ साइनिंग इन द टेंडर ऑफ द मुस्लिम वोट्स, कि ये मुस्लिम वोट का टेंडर खुला है, कौन इस मुस्लिम वोट के टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट को लेगा। इसी कारण से चंद दिनों पहले ओवैसी जी को किस प्रकार की भाषा के साथ ममता जी उनके खिलाफ बोल रही थी आपने देखा है। देयर इज अ कॉम्पिटिशन इन द नेम ऑफ स्यूडो सेक्युलरिज्म, देयर इज अ कॉम्पिटिशन ऑफ तुष्टिकरण, देयर इज अ कॉम्पिटिशन ऑफ अपीजमेंट। ये जो अपीजमेंट की कॉम्पिटिशन है, इसमें ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि अपने राजनीति के कारण ये देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जिस बिल में और अब जो कानून बन गया है जिसमें हिंदू मुसलमान का कुछ नहीं है, जिसमें ना तो किसी हिंदू का ना किसी मुसलमान का, जो हिंदुस्तान का है उसका कोई अधिकार हनन नहीं होगा, ये अधिकार देने का कानून है, उसमें जिस प्रकार से शांति और चैन छीनने की कोशिश ये कांग्रेस पार्टी, ममता जी की पार्टी और आम आदमी पार्टी कर रही है, यह निंदनीय है। अभी हमने पुलिस के पीसी को भी सुना है, पुलिस के पीआरओ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इतनी जल्दी पुलिस के हर विषय पर राजनीति करना, यह भी उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग ये स्टूडेंट के बिहाफ में गए थे, आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक बड़ा वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाए रखना हम सबका फर्ज है, और आप स्टूडेंट हो सकते हैं, ये मेरा नहीं है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है, आप स्टूडेंट हो सकते हैं किंतु आपका यह अधिकार नहीं है कि आप शांति को तोड़ें, आपका यह अधिकार नहीं है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी पर हमला करें। यह आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। इसलिए मुझे लगता है आज दो लोगों से हम सबको सीख लेनी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स के माध्यम से जिस प्रकार से कहा है कि वेल यस, डिसेंट, डिबेट, डिस्कशंस मे बी पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, आर अ ब्यूटिफुल ऑर्नामेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स रादर, बट उसके नाम पर आप आर्जनी करें, उसके नाम पे पब्लिक प्रॉपर्टी ध्वंस करें, उसके नाम पे आग लगाएं, कॉमन आदमी को आप मुश्किल में डालें, ये उचित नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और मोदी जी के इस आह्वान को हम सबको सुनना चाहिए। वी शुड ऑल हीड टू द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड वी शुड ऑल हीड टू द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हु हैज सेड दैट हूएवर वी माइट बी, वी हैव नो बिजनेस एंड नो राइट टू प्ले विथ फायर, to in fact play with the public properties, to destroy the public peace. Thank you, friends. Any questions that you would like to ask? Yes, ma'am. देखिए, अच्छा करने की शक्ति तो कांग्रेस के पास नहीं है, मगर बुरा करने की शक्ति असीम है। मुझे लगता है उन्होंने कहा है कि प्रोसेस विल स्टार्ट, स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाना है और उस ट्रस्ट के प्रोसेस को चालू करना है, तो स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है तो और होना ही है। एक एक करके सबका जवाब। नहीं, वो राहुल गांधी जी तो गए थे प्रोटेस्ट में भी, जेएनयू में भी गए थे। आपको याद होगा 2016 में, भारत तेरे टुकड़ा टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जब इस प्रकार के नारे लगाए जा रहे थे तो उन नारों के समर्थन में प्रोटेस्ट में बैठे थे राहुल गांधी। अब पुनः प्रोटेस्ट में बैठने वाले हैं। राहुल गांधी जी के प्रोटेस्ट में बैठने से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी जी, आज देश समझ चुका है कि राहुल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नेवर मूव टुगेदर। दीज टू आर्स, यू नो, आर फॉर राहुल एंड आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दीज टू आर्स कैन नेवर मूव टुगेदर। ये जुदा है। राहुल इज
डाइवोर्स्ड फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये अलग है, इसलिए वो ही इज इरेस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स हिज ड्यूटी। मनीष सिसोदिया शुड बिहेव रेस्पॉन्सिबली। मनीष सिसोदिया एक साधारण वक्ता, एक स्पोक्स पर्सन या साधारण व्यक्ति नहीं है, वो दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, इसलिए इस प्रकार के आक्षेप करने से पहले उनको बहुत ध्यान के साथ सब विषयों पर चिंता करनी चाहिए। अभी पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि किस प्रकार से पुलिस ने कौन सी गाड़ी जल रही थी और कौन से गाड़ी को पुलिस बचा रही थी उनके नंबर को दिखाया, और पुलिस ने उत्तर दिया कि एक गाड़ी में चिंगारी लगी थी, उस गाड़ी में पुलिस कर्मियों ने जाकर गाड़ी को जलने से पहले बचाया, इसका नंबर भी उन्होंने डिस्प्ले किया। तो तथ्यों को जाने बगैर जब मुख्यमंत्री और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाता है कि वो कोरी राजनीति कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपने राजनीतिक बेनिफिट के कारण दिल्ली को आग में झोंका जाए। ये तो माहौल अनादिकाल से बना रहे हैं। ये जहां तक ये सारे ऑपोजिशन का लामबंद होने का सवाल है, आप याद करिए आज से 5-6 साल पहले जब हम नए नए सरकार में आए थे तब से ये लामबंद हो रहे थे। अवार्ड वापसी के नाम पे पहले लामबंद हुआ, फिर इन्होंने कहा कि बहुत डर का माहौल हो गया है, सब जगह चर्चों को डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ दिया जा रहा है, फिर सच्चाई सामने आ गई। उसके बाद ये लामबंद हुए थे बेंगलोर में, आप याद करिए 17 पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़े थे। उसके बाद चुनाव हुआ, फिर पहले साइकिल से राहुल गांधी जी को उतार दिया गया, बाद में फिर बुआ और बबुआ दोनों साथ में आए थे। चुनाव हारने के बाद फिर बुआ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था उन्होंने कि फायदा मुझे हुआ नहीं, मैं तुम्हारी बुआ नहीं। तो ये सारे लोग अपने अपने फायदे के लिए बैठे हुए हैं और जिस दिन इनका फायदा सद्दा नहीं है ये सब एक दूसरे को छोड़ देते हैं। देखिए इस पर आई डोंट हैव द मैंडेट टू आंसर ऑन दिस, ये मेरा विषय नहीं है और ऐसा कुछ मुझे अभी लगता नहीं है। थैंक यू।